VLOOKUP एक्सेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। क्या कोई फंक्शन VLOOKUP फंक्शन की जगह ले सकता है? हम एक्सेल के एक ऐसे ही फंक्शन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है DGET। DGET फंक्शन उन दो लुकअप प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में मदद करता है जिन्हें हम VLOOKUP के द्वारा आसानी से नहीं कर सकते। पहली प्रॉब्लम है मल्टीपल क्राइटेरिया के आधार पर वैल्यू लुकअप करना, और दूसरी प्रॉब्लम है लुकअप रेंज के लेफ्ट में वैल्यू सर्च करना। इन प्रॉब्लम्स को हम एक्स लुकअप और फिल्टर फंक्शन की मदद से आसानी से सोल्व कर सकते हैं, परंतु ये फंक्शन सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। DGET एक डेटाबेस फंक्शन है जिसे यूज करना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे DGET फंक्शन का उपयोग एक क्राइटेरिया के साथ और फिर मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ। यहाँ पर हमारे पास लोकेशन, डिपार्टमेंट और नेम्स की एक लिस्ट है। पहले एग्जांपल में हम यहाँ पर लोकेशन सर्च करेंगे, तो यहाँ पर हम कोई नेम टाइप कर लेंगे। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे आदित्य वर्मा, और अब हम यहाँ पर इस नेम के लिए लोकेशन सर्च करने के लिए DGET फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम ये सेल को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे और DGET टाइप करेंगे। ये देखिए DGET फंक्शन यहां पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे, यहां पर DGET फंक्शन का पहला आर्गुमेंट है डेटाबेस। DGET फंक्शन यूज करते समय ये ध्यान रहे कि आपके डेटाबेस में सभी कॉलम्स के हेडर्स होने चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे सभी कॉलम्स की हेडिंग्स दी गई हैं। तो यहां पर डेटाबेस के लिए हम ये पूरे डेटा टेबल को सिलेक्ट करेंगे हेडिंग सहित। हम यहाँ पर कुछ और रोज को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे कि बाद में कुछ और डेटा ऐड करें तो वो फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है फील्ड, यानी वो कॉलम जिससे आप इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पर आप कॉलम नंबर, कॉलम नेम या डायरेक्ट सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर कॉलम नंबर एंटर करेंगे। हमारे केस में हम यहाँ पर लोकेशन सर्च कर रहे हैं और लोकेशन का कॉलम है फर्स्ट, तो यहाँ पर टाइप करेंगे 1। कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है क्राइटेरिया, और यहाँ पर क्राइटेरिया है नेम। यहाँ क्राइटेरिया को हम हेडर के साथ सेलेक्ट करेंगे जिससे फॉर्मूला को ये पता चल सके कि डेटाबेस में क्राइटेरिया कौन से कॉलम में है। यहाँ पर ये भी ध्यान रहे कि हेडर का जो स्पेलिंग है वो डेटाबेस में और यहां पर सेम होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब देख सकते हैं यहां पर ये आदित्य वर्मा का लोकेशन आ गया है दिल्ली। यहां पर हमने कॉलम नंबर एंटर किया था, अब हम एंटर करेंगे कॉलम नेम। तो यहां पर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और F2 प्रेस करके फॉर्मूला विजिबल कर लेंगे, और यहां जो कॉलम नंबर है 1 इसकी जगह हम डबल कोटेशन के अंदर लोकेशन टाइप कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तब भी यहां पर सेम ही रिजल्ट आएगा। और तीसरा तरीका है डायरेक्ट सेल रेफरेंसिंग का, तो इसके लिए हम यहां पर लोकेशन टाइप कर लेंगे और F2 प्रेस करके फॉर्मूला विजिबल करेंगे, और यहां लोकेशन की जगह हम यहां इस सेल का डायरेक्ट रेफरेंस दे देंगे। तो यहां से इसको हम डिलीट करेंगे और यहां पर इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे। देख सकते हैं आप यहां पर इस सेल का रेफरेंस आ गया है H3, और एंटर प्रेस करेंगे तब भी आप देखेंगे यहां पर सेम ही रिजल्ट आएगा। अब मान लीजिए हमें यहां पर ये आदित्य वर्मा के लिए डिपार्टमेंट भी सर्च करना है, तो यहां पर हेडर नेम टाइप कर लेंगे डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के लिए हमें यहां पर दोबारा DGET फंक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम यहां पर इस फॉर्मूले को विजिबल करेंगे F2 प्रेस करके, और यहां पर डेटाबेस और क्राइटेरिया को फुल्ली फिक्स्ड करेंगे। तो डेटाबेस वाली सेल रेफरेंसेस को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देंगे। इसी तरह से हम ये क्राइटेरिया वाली सेल रेफरेंसेस को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मूले को ड्रैग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये आदित्य वर्मा का डिपार्टमेंट भी आ गया है सेल्स। तो यहां पर हमने DGET के कौन कौन से एडवांटेजेस देखे। पहला एडवांटेज ये है कि आप फॉर्मूले को यहां पर राइट में ड्रैग कर सकते हैं।
जो वी लुकअप में पॉसिबल नहीं है। वी लुकअप में अगर हम फॉर्मूला राइट में ड्रैग करते हैं तो सही रिजल्ट के लिए बार बार कॉलम नंबर चेंज करना होता है। और दूसरा जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि आप लेफ्ट में लुकअप कर सकते हैं, जो वी लुकअप में पॉसिबल नहीं है। डीगेट फंक्शन का तीसरा एडवांटेज ये है, डीगेट फंक्शन अप्रोक्सीमेट मैच करता है जबकि वी लुकअप एग्जैक्ट मैच। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है आदित्य वर्मा, इसका हम लास्ट नेम भूल गए हैं, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे केवल आदित्य, तब भी यहाँ पर लोकेशन और डिपार्टमेंट सर्च हो जाएंगे। हम यहाँ पर टाइप करेंगे आदित्य और एंटर करेंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से ये मान लीजिए आरुष नेगी के नेम में हम केवल आरुष टाइप करेंगे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट और लोकेशन दोनों सर्च हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे आरुष और एंटर करेंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि VLOOKUP में आपको सेम नेम टाइप करना होता है। अभी तक हमने DGET फंक्शन के एडवांटेजेस बताए, DGET फंक्शन की कुछ डिमेरिट्स भी हैं। जैसे हम फॉर्मूले को यहाँ पर नीचे की तरफ ड्रैग नहीं कर सकते, मान लीजिए हमें यहाँ पर किसी अन्य पर्सन के लिए लोकेशन और डिपार्टमेंट सर्च करना है तो यहाँ पर मान लीजिए हम उसका नेम टाइप करेंगे और यहाँ से हम फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा, जबकि VLOOKUP और इंडेक्स मैच में इसे आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। DGET फंक्शन का दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यदि क्राइटेरिया में कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो यहाँ पर ये एरर शो करेगा, जबकि VLOOKUP और इंडेक्स मैच फर्स्ट मैच रिटर्न करते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये नेम को पहले हम यहाँ पर कंप्लीट टाइप करेंगे और यहाँ पर हम क्राइटेरिया में इस नेम को कॉपी करके यहाँ से यहाँ कहीं भी पेस्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर शो हो गया है, यानी क्राइटेरिया में यदि कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो DGET फंक्शन एरर शो करेगा। अब हम देखेंगे DGET फंक्शन का उपयोग मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ। यहाँ पर हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं, रीजन है वेस्ट और प्रोडक्ट है मॉनिटर। इस कॉम्बिनेशन के लिए हम यहाँ पर सेल्स मैनेजर सर्च करेंगे और यहाँ पर सेल्स वैल्यू, तो यहाँ इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, DGET टाइप करेंगे। ये देखिए DGET फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर और ये डेटाबेस के लिए हम यहाँ पर ये डेटा टेबल को पूरा सेलेक्ट कर देंगे हेडिंग्स के साथ। और क्योंकि हमें यहाँ पर फॉर्मूले को आगे की तरफ ड्रैग करना है तो ये डेटाबेस वाली रेंज को हम यहाँ पर F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है फील्ड, इसके लिए हम यहाँ पर इस सेल का डायरेक्ट रेफरेंस दे देंगे, तो इस सेल को हम सेलेक्ट कर देंगे, सेल का एड्रेस यहाँ पर आ गया है ये आप देख सकते हैं, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है क्राइटेरिया, यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया है दो, तो इन दोनों क्राइटेरिया को हम यहाँ पर हेडिंग्स के साथ सेलेक्ट कर देंगे और इन रेंज को भी हम यहाँ पर F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स मैनेजर नेम आ गया है जिसका रीजन है वेस्ट और प्रोडक्ट है मॉनिटर। अब हम यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और सेल्स के लिए यहाँ से इसको ड्रैग कर लेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू सर्च हो गई है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर DGET फंक्शन का उपयोग करना आपको बताया। अब जो हमारा सवाल है कि क्या DGET फंक्शन VLOOKUP फंक्शन को रिप्लेस कर सकता है, इसको हम छोड़ते हैं आपके ऊपर, ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर DGET फंक्शन की मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।